राधे राधे दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो कोई भक्त प्रेम से मेरे लिए पत्र पुष्प फल जल अर्पण करता है तो उस शुद्ध बुद्धि निष्कामी प्रेमी भक्त का प्रेम पूर्वक अर्पित किया हुआ वो पुष्पादि में सगुण रूप से प्रकट होकर प्रीति सहित खाता हूँ। दोस्तों, भगवान के बिना आत्मा का कोई अस्तित्व नहीं है। कोई भी मनुष्य बिना भगवान के जीवन के किसी भी उद्देश्य को प्राप्त नहीं कर सकता, परंतु सभी लोगों ने पूर्ण परमात्मा को पहचाने बिना अपने लिए एक या अधिक ईश्वर तय कर दिए हैं। आज के इस वीडियो में हम आपको महर्षि कृष्ण द्वारपायन वेदव्यास जी द्वारा रचित धर्म ग्रंथ और पुराणों के माध्यम से परमपिता परमेश्वर अर्थात जो ईश्वर समस्त भूतों एवं समस्त ब्रह्मांड के मूल कारक है एवं जिन परमपिता से बढ़कर कुछ भी नहीं, जो काल के भी काल है एवं जो समस्त देवी देवताओं के भी मूल स्रोत है, आज हम उन परमपिता परमेश्वर के बारे में जानकारी देने का प्रयास करेंगे। उससे पहले छोटी सी रिक्वेस्ट, चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन जरूर दबाना ताकि ऐसी जानकारी सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो दोस्तों, हमारे सनातनी धर्म ग्रंथों में कुल 18 पुराण हैं। विभिन्न पुराणों में विभिन्न विभिन्न देवताओं को सर्वोच्च बताया गया है। जैसे शिव पुराण में भगवान शिव को सबसे महान बताया गया है, विष्णु पुराण में भगवान विष्णु को तथा श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण को सर्वोच्च बताया गया है। सबसे पहले हम आपको ये बता दें कि सभी लोग एक ही ईश्वर की आराधना करते हैं, भले ही वो उस ईश्वर का अलग अलग नामों से आह्वान करते हों, परंतु वो सभी अलग अलग नामों के माध्यम से उस एक ही ईश्वर की आराधना करते हैं। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि विभिन्न भाषाओं और संस्कृतियों में परमपिता परमेश्वर को अपने अलग अलग तरीकों से समझाया गया है, लेकिन है तो ईश्वर एक ही जिससे समस्त भूतों की रचना हुई है। पुराणों में सिर्फ वास्तविकता को अलग अलग तरीकों और अलग अलग कहानियों के माध्यम से वर्णन किया गया है ताकि अलग अलग धर्म संप्रदाय के लोग अपने विश्वास के साथ उस एक परमपिता परमेश्वर को प्राप्त कर सके। जैसा कि हम अपने वैदिक साहित्य के मार्ग से समझते हैं कि यदि हम एक व्यक्ति हैं और ईश्वर भी एक दिव्य पुरुष है तो उनके विषय में ऐसा क्या विशेष होना चाहिए कि उन्हें भगवान का सर्वोच्च व्यक्तित्व माना जाए, और केवल श्री कृष्ण को ही भगवान क्यों माना जाना चाहिए, किसी अन्य को क्यों नहीं? आइए समझते हैं। ब्रह्म संहिता अध्याय 5 में ब्रह्म भौतिक अस्तित्व के माध्यमिक निर्माता पर विचार करते हैं और कहते हैं कि ईश्वरः परमः कृष्णः सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादि गोविंद सर्व कारण कारणम। अर्थात ब्रह्मा जी कहते हैं कि सभी ईश्वरों में सर्वोच्च परमेश्वर श्री कृष्ण है। श्री कृष्ण सर्वोच्च नियंत्रक है क्योंकि उनके पास एक शाश्वत आनंदमय आध्यात्मिक शरीर है, इसलिए ऐसा कोई बिंदु नहीं है जब श्री कृष्ण का अस्तित्व ना हो। वो सबके मूल हैं, उनकी कोई अन्य उत्पत्ति नहीं है और वो सभी कारणों के प्रमुख कारण हैं। वो सभी रचनाकारों के रचयिता हैं, वो भगवान हैं और सभी भगवानों के भी स्वामी हैं। तो ये ब्रह्मा देव के वचन हैं। आइए देखें कि इस पर भगवान शिव क्या कहते हैं। श्री पद्म पुराण में भगवान शिव माता पार्वती से कहते हैं, आराधनाना सर्वेशां विष्णुराधनम परम तस्मात् परतरम देवी नदियाना समार्चनम। अर्थात सभी पूजाओं में सभी यज्ञ में श्री कृष्ण या श्री विष्णु की पूजा सर्वोच्च है। इस प्रकार ब्रह्मा जी कहते हैं कृष्ण सर्वोच्च हैं और शिव जी कहते हैं विष्णु जी सर्वोच्च हैं। इस पर स्वयं भगवान श्री कृष्ण भगवद गीता के 7वें अध्याय में कहते हैं, हे धनंजय, कृपया कर समझो कि मैं पूर्ण सत्य हूँ, मुझसे श्रेष्ठ कोई सत्य नहीं है। जिस प्रकार मोती धागे में गुथे रहते हैं, उसी प्रकार सब कुछ मुझ पर आश्रित है। इस प्रकार ब्रह्मा जी कहते हैं कि कृष्ण ही भगवान हैं और शिव जी कहते हैं विष्णु ही भगवान हैं, तथा तब कृष्ण कहते हैं कि मैं ही सर्वव्यापी हूँ। भगवान गीता के अध्याय 10 श्लोक 12 और 13 में कहते हैं, जिसमें अर्जुन कहते हैं कि आप परम पुरुषोत्तम परम धाम परम शुद्ध अविनाशी आदि पुरुष अजन्मे तथा महानतम है। नारद असित देवल और व्यास जैसे महान ऋषि सभी इस सत्य की पुष्टि करते हैं और आप स्वयं भी मुझे यही सब बता रहे हैं कि आप सर्वोच्च हैं। इसी प्रकार श्रीमद् भागवतम में गोवर्धन लीला और ब्रह्मा विभु मिलन लीला के पश्चात क्रमशः इंद्र और ब्रह्मा भी श्री कृष्ण को भगवान के रूप में महिमा मंडल करते हैं। श्रीमद् भागवतम में
शुक गोस्वामी जी कहते हैं कि वो श्री कृष्ण का वर्णन कुछ इस प्रकार करते हैं कि यम, ब्रह्मा, इंद्र, वरुण, रुद्र ये सभी प्रमुख देवता श्री कृष्ण को नमन करते हैं। सभी उपनिषद और सामवेद के श्लोक श्री कृष्ण की महिमा गाते हैं। ध्यानमंद एवं लीन चित्त से योगी जिनका साक्षात्कार करते हैं वो श्री कृष्ण को सर्वोच्च व्यक्तित्व के रूप में पाते हैं, और जिनको सुर या असुर, देवता या दानव नहीं समझ सकते उन परमपिता परमेश्वर श्री कृष्ण को मैं नमन करता हूँ। अतः श्रीमद् भगवतम में सुखदेव गोस्वामी भी श्लोक द्वारा कहते हैं, एते चाशिकला पुषः कृष्णस्तु भगवान स्वयं इंद्रारी ख्याकुल लोक मुड्यन्ति युगे युगे, अर्थात सभी विभिन्न अवतारों, विस्तारों और पूर्ण भागों का वर्णन करने के बाद सुखदेव गोस्वामी जी कहते हैं कि हे महाराज परीक्षित, ये सब अवतार तो भगवान के अंशावतार तथा कलावतार हैं, परंतु भगवान श्री कृष्ण तो स्वयं भगवान अवतार ही हैं। यहाँ तक कि महर्षि वेद व्यास जी के पिता महर्षि पाराशर मुनि श्री विष्णु पुराण में भगवान की परिभाषा का वर्णन करते हुए कहते हैं कि ईश्वर तो वो है जिसके पास पूर्ण रूप से ये छह गुण है, समग्र ऐश्वर्य, शौर्य, यश, श्री, ज्ञान और वैराग्य। इन्हीं छह गुणों से भगवान शब्द की उत्पत्ति होती है तथा श्री कृष्ण के पास ये छह गुण अनूठे और असमान तरीके से विद्यमान है। पहला, वो सौंदर्य से परिपूर्ण है, अर्थात कृष्ण सबसे सुंदर है। दूसरा, वो सबसे ज्यादा शौर्यवान है, अर्थात उन्होंने कृष्ण लीला में सभी राक्षसों का वध कर दिया था। तीसरा, वो सबसे प्रसिद्ध है, आज भी कृष्ण जी की लीलाएं दुनिया भर में गाई जाती हैं। चौथा, श्री, वो सबसे धनी है, सब कुछ कृष्ण का है। पांचवा, वो परम ज्ञानी है, वो सब कुछ जानते हैं क्योंकि उन्हीं से सबकी रचना हुई है, उन्होंने ही अर्जुन को भगवद गीता सुनाई। छठवा, वैराग्य, वो सबसे बड़े त्यागी हैं। श्री कृष्ण के पास ये छह गुण अद्भुत तरीकों से विद्यमान है, इसलिए भगवान श्री कृष्ण को असौमधर्व कहा जाता है, जिसका अर्थ है कोई भी उनके समान नहीं है और कोई भी उनसे सर्वश्रेष्ठ नहीं है। तो इन सभी शास्त्र संदर्भों से निष्कर्ष में हम समझते हैं कि कैसे श्री कृष्ण ही एकमात्र सर्वोच्च परमपिता परमेश्वर हैं, जो समस्त प्रकार के ईश्वरों के भी ईश्वर हैं, जिनसे परे कुछ भी नहीं, वो ही सब कुछ है, वो ही सभी के आदि कारक है, अर्थात वो ही परम ब्रह्म है, वो ही ओम है। अतः हमें सभी देवों में उन्हीं को देखना चाहिए। आशा करते हैं ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। आपका क्या मानना है कमेंट करके बताएं, ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करें और ऐसी जानकारियों के लिए स्क्रीन पर दिखने वाली वीडियोस को ज़रूर देखें। राधे राधे।